नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। आज हम बिहार में जुड़ी हुई उन सारे घटनाओं के बारे में बताएंगे जो पिछले 3 दिनों से, यानी कि उससे पहले से भी बिहार में, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला के रख दिया है। बिहार में बीजेपी जदयू के बीच में एक अलग घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी इस घमासान के बीच में आकर चुटकी ले रही है। पहले तो आरजेडी ने जदयू को ऑफर दिया, उसके बाद वो बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही। आरजेडी ने नीतीश कुमार को साफ साफ कहा कि आप हमारे तरफ आइए, हम आपकी सरकार, आपके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। वही उनके एक और नेता हैं जिनका कहना है कि हम आपको पीएम बना देंगे और आप हमें मुख्यमंत्री बनने तक की कुर्सी दे दीजिए। बिहार की राजनीति में जब इससे और आगे बढ़ी, बीजेपी और जदयू के बीच में डैमेज कंट्रोल की बात सामने आने लगी। मामला तब सबसे ज्यादा बढ़ गया जब जदयू के कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नया अध्यक्ष चुन लिया आरसीपी सिंह के रूप में, और आरसीपी सिंह जब जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद से तेवर एकदम से बदल गए। लड़ाई की जो शुरुआत हुई वो अरुणाचल प्रदेश में 7 में से 6 विधायक जदयू के बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद से यह घमासान शुरू हो गया। और यह घमासान और तब तेज बढ़ गया जब आरसीपी सिंह जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को यह संकेत दे दिया कि आप जो कहेंगे वो हम नहीं मानने वाले हैं। इसके बाद से बीजेपी थोड़ी नरम हुई। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं और कोई भी गार्जियन अपने पूरे घर परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाता। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि उनके कुछ लोग हैं जो उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन गार्जियन तो हमारे साथ ही रहेंगे। इससे यह साफ हो गया कि नीतीश कुमार को भावनात्मक रूप से मनाने की कवायद तेज हो गई है। इस तेजी के बीच में अब एक दूसरा एंगल राजद की तरफ से आया है। राजद ने कहा है कि जदयू के 17 विधायक हमारे पाले में हैं, यानी कि अगर जब दल टूटने की बात होगी तो 17 विधायक से काम नहीं चलेगा। इसके बाद क्या होगा, दल बदल कानून के अधिनियम के तहत ये 17 विधायकों का जो विधायकी है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब राजद का कहना है, यानी कि ये राजद के बड़े नेता श्याम रजक ने यह बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जदयू के 17 विधायक हमारे पाले में है। ऐसे में अब श्याम रजक ये भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम जदयू के और विधायकों को अपने पाले में कर लेंगे, उसके बाद से जदयू जो है हमारे तरफ शिफ्ट हो जाएगी। खैर, ये अब आने वाला विषय ही बताएगा कि राजद कितना जदयू को तोड़ पाता है। लेकिन अब तक जो स्थिति ये है उसमें बीजेपी और जदयू के बीच में डैमेज कंट्रोल की बात कही जा रही है। राजद अपने तरफ से पूरी तरह से जोर लगा रही है जिसमें वो कह रही है कि हम जदयू के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। इन सब चीजों के बीच में जो एक बयान आया, जदयू को राजद तोड़ नहीं सकती है। खैर, अब तक जो तीनों पार्टियों की तरफ से जो बयान आया है वो गोल मोल बयान आया है। ऐसे में अभी तक जो है वो साफ तरीके से ये तस्वीर निकल कर नहीं सामने आई है कि आखिर बिहार की राजनीति आगे और किस दिशा में जाएगी। लेकिन ये साफ है कि आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से बीजेपी और जदयू के तेवर में तलखियां बढ़ी है। इधर उप मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया है उसमें वो डैमेज कंट्रोल की बात कह रही हैं, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल कितना हो पाएगा, बीजेपी के नेता कितने शांत होकर बयानबाजी करेंगे, जदयू की तरफ से कितनी बयानबाजियां होगी, और उसके बाद राजद किस तरह से चुटकी लेता है, इन सब चीजों को लेकर बिहार की राजनीति आगे बढ़ेगी और नए साल में प्रवेश करेगी। ऐसे ही बिहार से जुड़ी हुई और भी वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।